करें मस्जिद में बुलाएं। और एक और आखिरी बार अर्ज करता हूँ, चूंकि हमको फिर सफर भी है, ये अशरा निजात है। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शहरु अव्वलुहु रहमतु औसतुहु मग़फिरतु व आखिरुहु इत्कुम मिनन्नार। ये ऐसा महीना है जिसका अव्वल हिस्सा रहमत ही रहमत, दूसरा मग़फिरत, तीसरा आग से निजात। देखिए आपको एक कलिमा निजात हजारों साल, हजारों साल अगर कोई कुफ्र कर चुका हो तो हमेशा की जहन्नम से बचाओ। सब बताओ भाई बचने का क्या तरीका, सारे बताओ है कलमा, इसलिए जवान भी बताओ ना। हजारों साल के कुफ्र शिर्क हर तरह के गुनाह जो कर चुका है, अब हमेशा की जहन्नम से बचना चाहता है, बताओ वो क्या करे? कलमा पढ़े। कलमा पढ़ ले, ये कलमा तैयब जो है ना हमारा एक कलमा निजात है। एक दफा कलमा कहने से हमेशा की परेशानियां खत्म हो जाएगी कि हमेशा की जहन्नम से इसकी जान छूट गई तो हमारी छोटी मोटी परेशानियां तो गुजरी गई, बोला इससे दूर हो सकती है। तो इस अशरे निजात में कसरत से हम ला इलाहा इल्लल्लाह का व्रत रखें, तस्बीह जब पूरी हो मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका व्रत रखें, कसरत से रखें और इस तसव्वुर से रखें अल्लाह मेरी फलानी परेशानी भी नहीं दूर करेंगे मगर अल्लाह, मेरी फलानी परेशानी भी दूर नहीं करेंगे मगर अल्लाह, मेरी फलानी परेशानी भी दूर नहीं करेंगे मगर अल्लाह। अपनी परेशानियां बैर नाम पर रखें और जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। बहुत थोड़ा वक्त रह गया इस अशरे निजात का भी, हो गया पूरा रमजान, न जाने हमारी किन किन गफलतों में गुजर गया। कम से कम हम इन बकिया लम्हात में इस कलमा निजात का हम कसरत से वित रखें तो अल्लाह से कभी उम्मीद है, अल्लाह के फजल व करम पर यकीन है, अल्लाह न सिर्फ हमें उस अजाब कब्र और अजाब जहन्नम और अजाब आखरत से निजात अता फरमा देंगे, बल्कि हम तो दुनिया की छोटी बड़ी झमेलियों में उलझे हुए फंसे हुए हैं, हर बंदा एक मसाइलिस्तान और परेशानियों का घर बना हुआ है, तो फिर बेखुसूस इस पाकिस्तान में क्या क्या हमें खदशे और क्या क्या हमें खतरात और क्या क्या हमें परेशानियां और मुसीबतें हमें लाहक हैं, तो इस बात अकल में की बरकत से। लोग ऐसा वजीफा बड़े शौक से पढ़ते हैं जो पढ़ाई ना जाए, ऐसे कलिमात बताओ ना बड़े शौक से सीखते हैं याद करते हैं, इससे बड़ा क्या वजीफा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे कोई बड़ा वजीफा है ही कोई नहीं, इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं जिस वजीफे से पैगंबर ने अपनी जिंदगी का आगाज किया, इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं। और इतना आसान और सस्ता सा वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कोई मामूली बात नहीं है, मामूल बना लें साथी, कम से कम इन सात रातों में 300 दफा पढ़े और कोशिश करें 1100 दफा पढ़ें, कसरत से पढ़ें, हिसाब से निकल जाएं और इसके माना पर यकीन रख के पढ़ें, कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह। ये कलमा ईमान है, कलमा तौहीद है, कलमा निजात है। पैगंबर ने अपने चचा को कहा था एक दफा पढ़ लो अबू तालिब, जिम्मेदार हो जाऊंगा तुम्हारे निजात का। तो ये कलमा निजात है, हजारों साल के कुफ्र और शिर्क पर पानी फेरने वाला यह कलमा है, हजारों साल के कुफ्र और शिर्क पर सलात को मिलिया पेश करने वाला यह कलमा है। इसको मामूली न समझें, जिस मकसद में कि जिस जरूरत में हम फंसे हुए हैं उसके लिए हम इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह हमें मुश्किल से इस पाक कलमे के जरिए निजात मिलेगी और अल्लाह से हम सच्ची तौबा करें और सच्चे अंदाज से गिड़गिड़ाएं और सच्चे अंदाज से माफी मांग लें। अल्लाह जो गुजर गई सो गुजर गई, अब आपकी बंदगी की गुजारना चाहता हूं।
वो लिखा है कि वो शैतान की एकदम शैतान ने एक फिरौन से मुलाकात की थी। कहा यार क्या कहा जा पसा कहा मैं रब और मैं हजारों साल से माफी मांगता फिर रहा हूँ, अल्लाह मेरी बंदगी ही कबूल कर रहे, तेरी रबूबियत को कबूल कर रहे, तेरा दिमाग ठीक है। कहते फिरौन को शर्मिंदगी हुई और वो नदामत से आया, लेकिन शैतान ने फिर उसको पक्का कर दिया, खैर अब तुम इस पर डटे रहो, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन बात सही कह रहा है फिरौन को। कलेमा निजात है, कलेमा ईमान है, सुभान अल्लाह, इसी पाक कलमे में ही सब कुछ रखा है। किसी मुश्किल में जहां और वजीफे पढ़ते हैं पढ़ा कीजिए, लेकिन कलमे की तस्बीह जरूर एक दफा पढ़ लिया जाती है, ये बहुत अजीम वजीफा है, बहुत आसान वजीफा है, बहुत जानदार वजीफा है। ईमान आता भी इसी से है, बनता भी इसी से है, बढ़ता भी इसी से है, अरे बचता भी इसी से है। एक हदीस में है, जद्दीदु ईमानकुम बिकौली ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे ईमान को ताजा करते रहा करो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ। ये कलिमा निजात, कलिमा तौहीद, बस मेरे ख्याल से ज्यादा बातें करने से अच्छा है हम सब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, बकिया लम्हात को हम बस गनीमत जानें और अल्लाह से कुछ ले लें, कुछ मांग लें, अपने लिए मांगे, रिश्तेदारों के लिए मांगे, खानदानों के लिए मांगे, पाकिस्तान के लिए मांगे, उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगे, पूरा आलम इस्लाम इस वक्त परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, अल्लाह जाने किन दज्जाली कुव्वतों ने क्या बला और उसका हफ्ता मुसल्लत किया है। हकीकत अब तो दो ढाई महीने हो गए, हकीकत होती तो कुछ हमें भी नजर आ गई होती, हमारी अकलें मऊफ हो गई हैं, हम सच को सुनने समझने सोचने पर भी यानी आली हो गए हैं, तो भाई हमको यकीन बबाएं जब आती हैं तो वो मीडिया पर ऐलानात नहीं हुआ करते, उनका तारफ नहीं कराया, बबा खुद फैलती और बतला के चली जाती है, मैं क्या हूं है तो अल्लाह उसको टाले और बाकी अगर है भला है तो वो अदाब होगा, अल्लाह की जानिब से आजमाइश होगी, हम अल्लाह से माफी और पना चाहते हैं, अल्लाह उस भला और वबा को टला दें, और अगर कोई मसनू है, कोई बेदीन कुतों की कोई साजिश है, खुदा इस साजिश को उन्हीं पर पलटें और अपनी मखलूक को और मुसलमानों को इससे निजात और आफियत अता फरमाएं।